हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किचन ज्ञान हिंदी में। और आज हम बनाने वाले हैं वेज बिरयानी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वेज बिरयानी बनाने का आसान तरीका। गैस पर हम एक पतीला या भगोना रखेंगे और उसमें अब हम पानी डाल देंगे। हमें पानी को बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। और अब हम उसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक। अब हम उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच घी। आप घी या तेल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम घी और नमक को अच्छे से पानी में मिक्स कर देंगे। हमारा घी और नमक अच्छे से पानी में मिक्स हो गया है और अब हम इसमें ये तेज पत्ता डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 काली मिर्च। काली मिर्च और तेज पत्ते का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है बिरयानी में। और अब हमने यहाँ लिए हैं 2 कप चावल। इन्हें हमने 2 घंटे पहले ही पानी में भिगो दिया था। साफ करके हमने इनका पानी अब निकाल दिया है और अब इन्हें हम पकने के लिए गर्म पानी में डाल देंगे। बिरयानी बनाने के लिए चावल हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही इस्तेमाल करें। और अब हम इसे मिक्स कर देंगे। इसे पकने के लिए हम इसे छोड़ देंगे। चावलों को पकने में ज्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लगेगा। देखिए इसमें उबाल आ गया है। तो अब हम देखते हैं हमारे चावल कैसे पके हैं। ये अभी इसमें थोड़ी सी कसर है, ये थोड़े से कच्चे हैं अभी, तो इसे अब हम 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। अब 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे इसी तरह पानी में थोड़ी देर छोड़ देंगे। तो अब हमने देखिए अब हमारे चावल अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। चावलों के पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसका इस्तेमाल हम रोटी बनाने के लिए, आटा लगाने में भी कर सकते हैं और सब्जी की ग्रेवी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चावलों को हमने निकाल लिया है, तो अब हम इसमें घी डाल देंगे 1 चम्मच और चावलों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें ज़्यादा तेज मिक्स नहीं करना है वरना हमारे चावल जो है टूट जाएंगे। हम इसे धीरे धीरे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। हमारा घी अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब हम चावलों को अलग रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम तेल डालेंगे। बिरयानी बनाने के लिए हमने यहाँ 5 चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है। मैंने 5 चम्मच तेल निकाल लिया है और हम तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। हमारा तेल अच्छे से गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें आलू डाल देंगे। ये हमारे 1 आलू है मीडियम साइज का, जिसे हमने धोकर साफ करके छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं हमारे आलू कितने अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। आलूओं को फ्राई होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये बहुत ही जल्दी आसानी से फ्राई हो जाएंगे। देखिए हमने आलू को फ्राई करके निकाल लिया है। हमारा तेल गरम है, तो अब हम इस गरम तेल में ही हम पनीर फ्राई कर लेंगे। ये 50 ग्राम पनीर है। ये देखिए तेल गरम होने की वजह से हमारा पनीर भी कितनी जल्दी फ्राई हो गया है। इसे भी हम निकाल लेंगे। बिरयानी बनाना बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। तो देखिए हमारा पनीर भी कितने अच्छे से फ्राई हो गया है। हमारा तेल गरम है, तो हम इस गरम तेल में ही 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी का फ्लेवर बिरयानी में बहुत ही टेस्टी होता है, इसलिए अब तेल और घी दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। हमारा घी जो है वो पिघल गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे ये खड़े मसाले। खड़े मसालों में हमने 2 तेज़पत्ता लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 6 से 7 काली मिर्च और 2 हरी इलायची को हमने लिया है। इन सबको हम अच्छे से भून लेंगे। हमें इन्हें तब तक भूनना है जब तक कि हमारे मसाले चटकने ना लगे। हमारे मसाले ऐसे अच्छे से चटक गए हैं, तो अब हम उसमें एक चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा भी हमारा अच्छे से चटक गया है, तो अब हम इसमें इसे एक बार मिक्स कर देंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। जीरा हमारा अच्छे से चटक गया है, तो अब हम इसमें अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है इसे डाल देंगे। अदरक लहसुन को भी हम अच्छे से भून लेंगे। हमारे लहसुन अदरक भुज गए हैं, तो अब हम इसमें ये हरी मिर्च डाल देंगे। ये 4 हरी मिर्च हैं जिन्हें हमने बीच में से चॉप कर लिया है। हरी मिर्चों को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे
ये लंबे लंबे पीसेस में चॉप की हुई प्याज, ये मीडियम साइज की एक प्याज है जिन्हें हमने इस तरह से चॉप कर लिया है। इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक इसका रंग अच्छे से गोल्डन ना हो जाए। ये देखिए हमारी प्याज कितनी अच्छे से गोल्डन कलर की हो गई है। अब हम इसमें ये शिमला मिर्च डालेंगे। ये एक शिमला मिर्च है जिसे हमने इस तरह छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। शिमला मिर्च को तब तक भूनना है जब तक ये अच्छे से थोड़ी गल ना जाए। अब हम इसमें ये टमाटर डाल देंगे। ये मीडियम साइज का एक टमाटर है, इसे भी हमने छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। इसे भी हम तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से गल ना जाए। देखिए हमारे टमाटर और शिमला मिर्च भी अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसमें ये उबले हुए मटर डाल देंगे। एक कटोरी मटर लिए हैं हमने, इन्हें हमने पहले ही उबाल लिया है। हम कढ़ाई में बिरयानी बना रहे हैं इसलिए हमने यहाँ कुछ उबली हुई सब्जियों का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए हमारी सारी जो सब्जियाँ हैं आपस में मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। यहाँ हमने सोयाबीन ले ली है, एक कटोरी सोयाबीन है। सोयाबीन को हम इसी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच आमचूर, एक चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार या एक चम्मच। अब हम इन सब मसालों को सब्जियों में मिक्स कर देंगे। इसे पकने में ज़्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लगेगा। अब हम इसमें एक कटोरी हम इसमें आलू डाल देंगे। हमने एक कटोरी में आलू निकाल लिए थे, वो आलू डाल दिए हैं। हमने ये पनीर भी डाल दिया है जिसे हमने फ्राई कर लिया था। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे सब्जियों के साथ। हमने पनीर को इसलिए फ्राई किया था ताकि वो ऐसे मिक्स करने में टूट ना जाए। ये देखिए हमारी सारी सब्जियां आपस में मिक्स हो गई हैं। और अब हम इसमें आधी कटोरी पानी डाल देंगे। ये चावलों का निकला हुआ पानी है। इसे हम अच्छे से एक बार और मिक्स कर देंगे। तो लीजिए हमारी सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो गई हैं। इसे हम मसालों के साथ पकने के लिए छोड़ देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम अच्छे से पका लेंगे ढककर। हम ढककर इसलिए पकाएंगे ताकि हमारे जो मसालों की जो महक है वो उड़ ना जाए। 2 मिनट हो चुके हैं तो अब हम देखते हैं हमारे मसाले कैसे पके हैं सब्जियों के साथ। ये देखिए इसका जो पानी है वो सारा सूख चुका है, यानी कि हमारी सब्जी अच्छे से मसालों के साथ पक गई है। बहुत अच्छी महक आ रही है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी ये रेसिपी। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो लीजिए हमारे मसाले अच्छे से पक गए हैं। अब हम इस पर चावलों की, ये हमने चावल ले लिए हैं तो हम चावलों की एक लेयर इसके ऊपर बिछा देंगे। इस तरीके से हम सारे चावलों को बिछा लिया है हमने। ये देखिए इसे हम बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स करते हुए चला लेंगे। हमें ज़्यादा तेज तेज नहीं करना है, हमें बहुत ही धीरे धीरे करना है ताकि हमारे चावल जो है वो टूट ना सके। तो हमारी सारी सब्जी चावलों में अच्छे से मिक्स हो गई है। ये देखिए कितने अच्छा लग रहा है ना देखने में, बहुत ही बिल्कुल मार्केट जैसी हमारी बिरयानी लग रही है। और इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे। हमने पहले नमक कम डाला था इसलिए हम अब बाकी का नमक अब डाल लेंगे चावलों के ऊपर स्वाद अनुसार। अब नमक डालने के बाद भी इसे हम हल्का हल्का सा मिक्स कर देंगे जिससे कि हमारा जो नमक है वो अच्छे से हमारी बिरयानी में मिक्स हो जाए। और अब हम इस पर ये आधा नींबू निचोड़ देंगे। नींबू से होगा क्या कि हमारी जो बिरयानी का स्वाद है वो बैलेंस हो जाएगा। ये देखिए इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाएगा। इसे हम और एक बार हल्का हल्का मिक्स कर देंगे, ज़्यादा तेज नहीं करना है। हमारी बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। ये बिरयानी बनाना बहुत ही ईजी है। अगर आप इस तरीके से बिरयानी बनाएंगे तो आपकी बिरयानी बिल्कुल परफेक्ट मार्केट जैसी ही बनेगी। हमने इसे प्रेशर कुकर में ढककर नहीं बनाया है। देखिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो गर्मा गर्म बिरयानी को सर्व कीजिए, उसे टेस्ट कीजिए और मैं बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। तो लीजिए वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। हमारी वीडियोस आपको मिलती रहे उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले उसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस। हींग डाल देंगे।